नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचेता अश्विन साहू आज आप सबको नागपंचमी जो त्यौहार है इस त्यौहार के विज्ञान के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतवर्ष में सभी राज्यों में नागपंचमी का त्यौहार बहुत आनंद के साथ मनाया जाता है। नागपंचमी में हम लोग नाग और सर्पों की पूजा करते हैं। असल में नाग और सर्प जीवित नाग और सर्पों की पूजा किसी भी पुराणों में नहीं बताई गई है। पुराण शास्त्रों में नाग और सर्प उनकी प्रतिकृतियाँ जो गोबर से बनाई जाती है, गेरू से बनाई जाती है, मट्टी से बनाई जाती है या लकड़ी के काष्ठों से बनाई जाती है, उन मूर्तियों की पूजन का आवाहन किया है और दूध जीवित नाग और सर्पों को न पिलाते हुए इन मूर्तियों पर डालने का, उनका परिषेक करने का, उनका स्नान इन मूर्तियों का दूध से करने का ही वहाँ पर विधान किया गया है। लेकिन सदियों से सभी जग भर के सभी लोग हमेशा से भारत देश को सपेरों का देश ऐसे कह के हंसते हैं, क्योंकि हम लोग जीवित नाग और सर्पों को दूध पिलाते हैं जिससे वे जीवित नहीं रह पाते, वे मर जाते हैं क्योंकि उन्हें दूध वो पचा ही नहीं पाते। इस प्रकार का कोई विधान अपने शास्त्रों में नहीं किया गया है। ये गैर प्रवाद है, ये एक गैर प्रथा है जो प्रथा कभी भी पुरखों ने हमें नहीं बताई है, नहीं सिखाई है। हमेशा से प्राचीन भारत में प्रतिकृतियों की पूजन का ही आवाहन का ही विधान किया गया है। दूध ही नैवेद्य के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि दूध में पौरुष शक्ति बढ़ाने के सभी गुणधर्म हैं। अनेक अनुसंधानों के अनुसार दूध के सेवन से स्पर्म काउंट जो होता है, पुरुष शुक्राणु होते हैं, उनकी वृद्धि पाई जाती है और शंकर ये उत्पत्ति का देवता माना जाता है। निर्माण के लिए, उत्पत्ति के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप से दूध का सेचन करने का आह्वान नागपंचमी व्रत में किया जाता है। इस विज्ञान को जानने के बाद आपको बहुत अचरज लगेगा, लेकिन अतिशय सरल और सिंपल सी ये बात है। हमारे 18 महापुराणों में नाग और सर्प जो प्रजाति है उनके प्राणीशास्त्र का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। नाग या सांप कब अंडों को जन्म देती है, कब वो मादा कैसे वो प्रसव करती है, इन सब चीज़ों का वर्णन शास्त्रों में पाया जाता है। न केवल इतना बल्कि सर्पदंश के बाद जो वेग आते हैं, जो शारीरिक बदल होते हैं, कैसे विष का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, इनका भी विस्तृत वर्णन सुश्रुत संहिता में पाया जाता है। इतनी सब जानकारी होने के बाद क्या अपने पूर्वजों को ये ज्ञान नहीं था कि नाग ये मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं है? अवश्य अपने पूर्वजों को ये ज्ञान था कि नाग सर्प ये मांसाहारी है, इसीलिए संस्कृत के जब उनके पर्यायी नाम है, इन नामों में भेक भूक ऐसे एक नाम पाया जाता है। भेक यानी मेंढक, मेंढक खाने वाले जीव, इस नाम से वो सांप को बुलाते थे। व्याड, व्याल यानी मांसाहारी पशु, इस नाम से सांप जाना जाता था। भुजंग भोजी यानी एक सांप दूसरे छोटे सांप को निगल जाता है। सांप का जो जीवन है वो छोटे सांपों पर भी निर्भर करता है, ये दर्शाने वाला पर्यायी नाम है भुजंग भोजी। इतनी सब जानकारी अपने पूर्वजों को थी, लेकिन हम लोग किसी गैर प्रथा को ही ज़्यादा महत्व देकर सर्पों को, जीवित सर्पों को पकड़कर उन्हें दूध पिलाने की गलती कर बैठते हैं और जिसी से सब जग भर में अपने भारत देश की हंसी होती है, क्योंकि ये सपेरों का देश है, ये लोग अनाड़ी है ऐसे बताया जाता है। लेकिन ये गैर प्रवाद प्रथा है, इसका पालन कोई भी ना करे, अपने जो शास्त्रों में बताया गया था वो अतिशय शास्त्रीय, एकदम शास्त्रीय वैज्ञानिक था और उस वैज्ञानिक चीज़ों का ही अनुसरण हम लोगों ने करना चाहिए।